वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया विकास ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं वन डे ट्रिप के लिए, अच्छी जगह पर वन डे ट्रिप के लिए। हाँ, वन डे ट्रिप है आज, बहुत ही सनी है, बहुत दिनों बाद ग्लासगो में। आज कितनी तेज बोल रहे हैं विकास की आवाज को। अरे तो मेरी आवाज आती नहीं है ना, फिर जब मैं धीरे बोलता हूँ लोग कमेंट करके बोलते हैं कि विकास की आवाज नहीं आती। तो प्रिया बहुत तेज बोलती है, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, इसलिए आजकल मैंने सोचा कि अब मैं तेज बोलूंगा। हाँ, इसलिए घर में ही बहुत तेज बोलते हैं। प्रैक्टिस कर रहा हूँ तेज बोलने की। सो हम अभी स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन से एक घंटे लगेगा अराउंड। बट हम जा कहाँ रहे हैं, स्टेशन नहीं, तो बोल अभी गया। नहीं बताएंगे, अभी हम पहुंच जाएंगे तब बताएंगे। अच्छा ठीक है, हम पहुंच जाएंगे तब बताएंगे। तो हमें ना यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन से नहीं मिलेगी ट्रेन, हमें मिलेगी क्वीन स्ट्रीट स्टेशन ग्लासगो। बहुत दूर है यहाँ से थोड़ा तो दूर है, बट हमें आधे घंटे अभी वॉक करना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है, हम जहाँ रहते ना वहाँ से बस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वॉक करके जाओ, फिर उसके लिए बस लो, फिर वहाँ भी वॉक करके जाओ, इससे अच्छा हम पैदल चले जाते हैं। हाँ, तो प्रिया आजकल बहुत मजबूत हो गई है, थोड़ा नहीं, मैं आजकल मोटी हो गई हूँ। प्रिया आजकल बहुत वॉक करती है, वैसे भी रोज आधे घंटे चल के जाती है फिर आती है। सो बस अब हम स्टेशन चलते हैं, ठीक है? अच्छा ओके, तो स्टेशन से ट्रेन, ट्रेन से फिर ट्रेन में ट्रेन 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 चलो। गाइस हम आ गए स्टेशन, ये ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट स्टेशन। बट अभी हमारी ट्रेन जो है वो थोड़ा लेट है, अभी 15 मिनट का टाइम है, वेट कर रहे हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं लारबेट, हमारा डेस्टिनेशन नहीं है अभी, डेस्टिनेशन बाद में बताएंगे। तो हम लारबेट से चेंज करेंगे, तो जब वहाँ से चेंज करेंगे तब हम आपको फिर बताएंगे। तो अभी हम जब तक आपको व्यू देते हैं, वैसे इसमें कंस्ट्रक्शन का काम लगा है, मतलब सारा रिनोवेट है। हाँ, सो इतना समझ नहीं आएगा, फिर भी एक व्यू दे देते हैं। हाँ, काफी अच्छा स्टेशन है, बड़ा है, ग्लासगो सेंट्रल से तो छोटा है, ग्लासगो सेंट्रल सुंदर बना है। हाँ, बहुत सुंदर ये भी रेनोवेट हो रहा है, तो शायद अच्छा लगने लगे। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे से इसका वीडियो दिखाऊंगा। So guys, हमारा एक्चुअली प्लान चेंज हो गया। हमारी जो टिकट थी वो वन स्टॉप वाली थी, बट वो वाली ट्रेन निकल गई। हाँ, तो हमें दूसरी ट्रेन लेना पड़ी। एक्चुअली हमने जो पहले हमने आपको प्लान बताया ना कि हमें लारबेट से चेंज करना था और फैल के ग्रैंडस्टन जाना था, बट हमारी वो वाली ट्रेन छूट गई और आज संडे के कारण थोड़ी कम ट्रेन चल रही थी। तो हमने फिर ये एक दूसरे रूट से हम फैल के खाई, ये फैल के खाई मतलब फैल के सिटी नहीं, काफी अलग अलग स्टेशन है, तो हम ये दूसरे वाले स्टेशन आ गए और ये हमें डायरेक्ट ट्रेन मिल गई, तो हमें कहीं चेंज नहीं करना। तो हम आधे घंटे में यहाँ पहुँच गए और अभी हम स्टेशन पे खड़े हुए हैं। हाँ, इस शहर का नाम थोड़ा अजीब है, FALKIRK। तो फालकेक स्टेशन है। अब यहाँ पे दो अट्रैक्शन है एक्चुअली, तो लेट अस इंट्रोड्यूस यू कि दो जो यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है उनमें एक है फालकेक व्हील और दूसरा है द कैल्पीस। तो आपने अगर कई जगह देखा होगा बहुत बड़े बड़े घोड़ों की फोटो चमचमाते हैं। अभी इतना सस्पेंस रहने दो, अभी हम आपको बाद में बताएंगे। और क्या बताना था, बस यहाँ से हम बस लेंगे, क्योंकि अब हम इस वाले स्टेशन आए हैं ना। हाँ, तो वो वाला जो जगह है वो काफी दूर है। हाँ, मतलब आधे घंटे और मतलब 25 मिनट करीब बस से अभी लगेगा। तो अभी हमने अपने ट्रेन टिकट में ही बस का टिकट इंक्लूड कर लिया था, प्लस बस करके जो होता है, और वो पूरा जोन कवर कर लेगा हमारा। पास होता है जिसमें आप कहीं भी जा सकते हो सिटी के अंदर, बहुत सस्ता हो जाता है, मतलब इफ यू इंक्लूड विद द ट्रेन टिकट तो आपको सस्ते में मिल जाता है। सो हमने वही लिया है, बस अब हम बाहर जाते हैं और चलते हैं। बाय बाय, मिलते हैं फालकेक व्हील में। If you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Oh, so, guys.
कहाँ तुम हमेशा ऐसे करती हो, हम आ गए हैं बस पति बोले कहाँ। हाँ, तो क्या हुआ? तो हम आ गए फैल्किक व्हील। फैल्किक व्हील एक्चुअली यहाँ पे ना फैल्किक में एक वहाँ का यहाँ का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो एक ये वर्ल्ड की एक मतलब अपने टाइप की यूनिक काइंड ऑफ ये कैनाल है। नहीं मतलब बहुत तो सारी जगह बनाई गई थी बट चालू सिर्फ यही कैनाल है ये। हाँ, काफी और जगहों पे बनी है बट तो इसका महत्व होता है ये शायद दो कैनाल को जोड़ती है इसलिए। हाँ, इसका इसका दो कैनाल को जोड़ती है और इसमें शायद ऊपर भी पानी बहता है तो ये पानी वो एक नीचे से आके पानी को भरते हुए ऊपर करते हैं। आई डोंट नो कुछ है कुछ पता नहीं अभी, अगर पता चलेगी तो आगे। हाँ, आगे बताएंगे। और यहाँ पे ये बहुत भीड़ आती है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफी और लोग खड़े हुए हैं। और ये एक यहाँ का ये विजिटर सेंटर भी बना हुआ है ये जस्ट हमारे पीछे। वहाँ किसी चीज की टिकट भी है, टिकट भी है कि अभी हम जाके देखेंगे, अभी तो हम जस्ट जा रहे हैं। तो ये फैल्किक व्हील में अब हम देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है घूमने का, पहले देख थोड़ा सा फिर आप लोगों को बता दें। टाइम स्पेंड करते हैं देन वी विल लेट यू नो कि यहाँ पे क्या क्या है और किस तरीके से क्या क्या घूम सकते हो आप। यहाँ पे फोटो तो क्लिक कर ही सकते हैं, बाकी और इन्फॉर्मेशन जो होगी मुझे भी तो लो थोड़े कैमरे में। बोलो बोलो। हाँ तो मुझे ही नहीं लगता कैमरे में आजकल। हाँ तो मैं कुछ और देख रहा था। हाँ तो अभी हम देखते हैं फिर बताओ। ओके अभी भी मुझे नहीं लेते तो मुझे कैमरे में नहीं लेते। It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. गाइज आपने अभी देखा कि यहाँ पर ना हमें नहीं पता था पर जो ये व्हील्स है ना इसके ज़रिए आप जैसे बोट है वो नीचे से ऊपर राउंड करके जाती है। सो वो आपने वीडियो में देखा ही होगा, हम जितना अच्छा बना सके हमने बनाया और बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप चाहें तो उसकी टिकट लेकर उसमें जा भी सकते हैं, तो वो ऊपर जाती है और फिर शायद कहीं घुमा के वापस लेकर आते हैं और फिर वो नीचे आ जाती है, तो ऐसी रोल राउंड होके नीचे आती है। तो ये एक स्पेशल चीज़ है इसमें भी और कई लोग जा रहे हैं, हम भी देखते हैं अगर हमारा मन होगा तो फिर हम भी जाएंगे। क्यों विकास, हमको चलना है वहाँ वो व्हील में। तुम बताओ कम। सो अभी हमने डिसाइड तो नहीं किया क्योंकि टाइम लगता है, जब तक वो फुल नहीं हो जाती ना तब तक ये वेट करते हैं, जब वो फुल हो जाएगी फिर ऊपर जाती है। विकास अपने कैमरे की सेटिंग में लगी हुई और आज बहुत ज़्यादा सनी है तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही है एक्चुअली में। सो गाइस एक चीज़ और मैं आपको मेंशन कर दूं कि यहाँ पर ना जो विजिटर सेंटर है यहाँ पे पिज़्ज़ा की शॉप भी है और कुछ स्नैक्स की भी शॉप है, आइसक्रीम की भी है, चाय कॉफी की भी है। सो इसकी कोई मतलब ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा, आइसक्रीम खा सकते हैं। अभी हम विजिटर सेंटर जा रहे हैं, थोड़ा उसका भी वीडियो बना देंगे। So guys, we are eating ice cream. I for ice cream. और ये आइसक्रीम ना बहुत ही अच्छी है, पाइनएप्पल फ्लेवर लिया हमने और अच्छी आइसक्रीम है मतलब। हाँ, तो हमने अपने अल्फाबेटिकल वाले चैलेंज में आई फॉर आइस खाया था
तो आइसक्रीम हमारी बहुत दिन से बची हुई थी, तो हमने आज यहाँ पे आइस पर आई। बहुत टेस्टी है, पाइनएप्पल फ्लेवर है ना, अच्छा लग रहा है ना। और अभी फीबील ना फिर से होगा तो हम सोच रहे थे फिर से वीडियो बनाएंगे, है ना। वो तब परफेक्ट नहीं आया था, इसलिए एक और बार बनाएंगे। तो यहाँ पीछे पानी है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और हम भी अभी अपने पैर डाल के बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। मजा आ रहा है, बट बहुत ज्यादा सनी है, मतलब काफी गर्मी है, तो मजे आ रही है आइसक्रीम खा के। सो हम एंजॉय करते हैं अपनी आइसक्रीम। पाइनएप्पल बहुत भीड़ है आज, बहुत सनी, बहुत ज्यादा सनी। पीछे देखिए आप कितनी भीड़ है। हेल्दी क्वीन तो दिखा दो। ये है। सो बस अभी हम एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। यहाँ पर पीछे जो आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा बच्चों के लिए मतलब नहाने के लिए स्पेशली सनी डेज में बहुत अच्छा है। और आप वन डे ट्रिप कर सकते हो ग्लासगो से, एडिनबरा से बहुत पास है, ऑलमोस्ट आधे घंटे में आप पहुँच जाते हो। और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब बहुत फन करते हैं बच्चे। सो इट्स लाइक अ डे ट्रिप, कर सकते हो आप कभी भी सनी डे देख कर। थोड़ा मेरा गला लग गया मैंने आइसक्रीम खाई तो। क्यों बेबी, मेरा गला लग गया मैंने आइसक्रीम खाई तो, लगा ना। कर लो। खट्टा था ना इसमें? खट्टा तो नहीं था, अच्छा था। पर चलो फिर हम चलते हैं, अभी तक हमने अपने साथ की पिक नहीं क्लिक करी, अब देखते हैं कुछ मिलता है तो करेंगे यहां से क्लिक करा। ओके फिर मिलते हैं। सो गाइस हम व्हील के ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं जो व्हील्स हमने दिखाया था राउंड होते हुए, तो ऊपर ये बोट ऊपर आई हुई है। सो लाइक कि वो व्हील वहाँ नीचे से ऊपर आया, और ये बोट अब यहाँ से इस साइड जा रही है। तो यही उसका मतलब वो होता है कि वो नीचे से बोट ऊपर आती है और फिर इस साइड जाती है, फिर इसको ये दिखाते हुए वापस लेकर जाते हैं। सो इट्स लाइक कि ये पीछे जा रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कहाँ से आई थी, विकास भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो आई विल शो यू कि ये जो, हाँ ये जो है दिख रहा है आपको, तो वो व्हील राउंड होकर ये ऊपर आया हुआ था, और फिर यहाँ से शिप, ये जो मतलब बोट है वो यहाँ से पूरा मतलब यहाँ से ट्रैवल करती हुई वो जा रही है, वो पीछे जा रही है। सो हम फोटो क्लिक करते हैं, और फिर हम यहाँ साइड से चढ़ के यहाँ पे आए हैं पहाड़ पे, सो देट कि हम ये देख सके। अभी तो और दिखाते हैं आपको पीछे का व्यू। It's been a roller coaster, but you stayed, and now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be, and I can feel but you love for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors, I'm knocking on. So guys, जो अभी वहाँ से बोट आई हुई थी और अंदर एक टनल के अंदर आई हुई थी, तो वो अब वापस जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे विकास उसी का वीडियो बना रहा है। सो ये टनल अब वापस जाएगी और फिर नीचे जाएगी, तो ऐसे ही होता है, ऊपर आती है, यहाँ पे घुमाते हैं, तो आपको पीछे दिख सकता है कि यहाँ बहुत बड़ी कनाल बनी हुई है, यहाँ घुमाते हैं फिर इसको वापस ले जाते हैं और फिर नीचे जाती है वो, तो इसी तरीके से होता है। और विकास बैकग्राउंड के वीडियोज़ बनाता रहता है। और बस अब हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, और अभी हमें एक और जगह जाना है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। पहले हमें लगा तो सिर्फ व्हील बस है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो हम नीचे से ऊपर चढ़ कर आए, वो बाहर पे किस तरीके से ऊपर आया फिर यहाँ आया, बस अब चलते हैं। या सो हम चलते हैं। सो गाइस
तो गाइस अभी हम थे फैल्किक व्हील में, अब हम फैल्किक व्हील से जा रहे हैं कैल्पिस। तो फैल्किक व्हील में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया, आप देख सकते हो वो पीछे प्रिया बैठी हुई है, अभी हम बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अभी द कैल्पिस जाना है। द कैल्पिस आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत अच्छे दो घोड़ों के स्टैचू टाइप के बने हुए हैं। तो उस पर हम यहाँ से अभी निकलेंगे, अभी हमें बस कैच करना है। ऑल्दो हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 3:30 ऑलरेडी हो चुका है, और अब हम जब यहाँ से निकलेंगे तो हमें लगभग यहाँ से एक घंटे या 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। विकास कितना वारे वारे बोलता है। तो बस लेट्स वेट फॉर द बस। एंड ये है प्रिया, और एक हर भी एक घंटे में बस होती है, इसलिए हम लोगों को मिस हो गया। एक्चुअली इसके पहले वाली एक घंटे वाली लेनी थी, क्योंकि इसके लिए नहीं थी, और हमें जो दूसरी बस मिल रही थी उसके लिए 0.7 माइल तक वॉक करके जाना पड़ता, और उसके बाद 1 माइल वॉक करना पड़ता, इसलिए हम इसी का वेट करने लगे। तो अब हम जाते हैं कैल्पिस और आपको दिखाते हैं वहाँ पे घोड़ों के थोबड़े, सॉरी मुख आधे होते हैं। ओके सो गाइस, हम आ गए हैं कैल्पिस और पीछे घोड़े हैं, पता नहीं आप लोगों को इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है क्या? हाँ, वो पीछे आपको घोड़े दिख रहे हैं, आई थिंक अभी आपको दिख रहे होंगे। ये कनाल गई है और वो घोड़े हैं, यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी बड़े बने हुए हैं। अब हम चलते हैं, बट विकास को कुछ पिक क्लिक करनी है। सो विकास कहाँ के आ गए अब? तो विकास ने अपना कैमरा निकाल लिया है और अब वो कुछ फोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी प्यारे दिख रहे हैं। आई नो कि इसमें नहीं इतने अच्छे से दिख रहे हैं, पर कैमरे में अच्छी फोटोज आएगी। तो बस मैंने सोचा कि जब तक आपसे बात करती हूँ मैं, ऐसे अच्छी जगह है। बट यहाँ पे ना जो बस स्टॉप है वो काफ़ी पहले आ गया था, उसके बाद हमको 0.5 माइल्स चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग साइकिलिंग करके आते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब बहुत अच्छा लगा। बट मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप सनी डे में ना आए, बहुत हॉट होता है। इस समय अभी 27 टेम्परेचर है, बट बहुत गर्मी लग रही है, इट्स लाइक 10 हो गए हैं हम लोग, इतनी गर्मी हो रही है। सो बस अब ये घोड़े दिखे आपको, ये विकास दिखा, और अब हम धीरे धीरे चलते हैं उनके पास। सो गाइज हम लोग आ गए हैं कैल्पिस, और ये हैं वो बड़े बड़े घोड़े जिनको देखने के लिए हम आए हैं। ये यहाँ क्यों बने हैं, इनके बनने का रीज़न क्या है, ये सब अभी हमें नहीं पता। शायद विकास कहीं पड़ेगा और देखेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी, बट फिलहाल मुझे नहीं पता। और फिलहाल विकास इनकी फ़ोटो खींच रहा है, बहुत ज़्यादा सनी है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है एक्चुअली में। सो यू कैन सी दीज घोड़ा, यही है, और काफ़ी बड़े बने हुए हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल, और रात में बहुत अच्छे लगते हैं। बट शायद रात में यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, 5:30 बजे तक ये बंद हो जाता है। सो हम भी कुछ पिक क्लिक करते हैं, देन फिर आपसे मिलती हूँ मैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं वापस से फैल्किक हाई रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं ये पीछे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम ग्लासगो क्वीन स्टेशन जाने के लिए जो ट्रेन है उसका वेट कर रहे हैं। प्रिया थक गई है तो वो पीछे चेयर्स पे बैठी हुई है और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो हम आज काफ़ी घूमे, आज हम फैल्किक व्हील गए, आज हम कैल्पिस गए, काफ़ी अच्छे अच्छे हमने नज़ारे देखे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस कैप्चर किए, फ़ोटोज़ कैप्चर की, और हमें बहुत अच्छा लगा। दिन बहुत ज़्यादा सनी था और उसके अलावा बहुत हाई टेम्परेचर था, एकदम इंडिया जैसी गर्मी लगी आज हमें यहाँ पे। तो होप सो आज आपको हमारा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो,
और अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें। इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।